हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षाएं रेलवे, RRB, NTPC, ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, SSC GD इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये पार्ट नंबर जो है ना मेरा दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 15 है दोस्तों, ठीक है। जिसने पार्ट नंबर 14 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सारे पार्ट को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है मेरे दोस्त। कह रहे हैं 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं, यानी 55 से, देखो 55 से छोटी, ठीक है, 55 से छोटी जितना भी प्राइम नंबर है ना, बताना है कि कितना प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, यानी 55 से छोटा अभाज्य संख्या कितना है, क्वेश्चन का मतलब ये है मेरे दोस्त। आपके सामने देख रहे हैं कि NTPC का क्वेश्चन है, वो भी 2020 में पूछा गया है, आपके सामने ध्यान से दिख रहा है ना। तो चलेंगे हम आपको यहाँ पर, आज तक दुनिया में किसी भी सर के पास या किसी भी व्यक्ति के पास इसका कोई ट्रिक नहीं है, अभाज्य संख्या का कोई ट्रिक ही नहीं बना है मेरे दोस्त, आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, 1 से लेकर अगर आप 25 तक नंबर लिखेंगे, 1 से 25 तक नंबर लिखेंगे तो टोटल अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, 9 होती है, आपको याद करना होगा। 1 से लेकर टोटल 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है, आपको याद करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कितना पूछा है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। हम सभी कोई 12 ही ध्यान से देख लिए हैं कि 1 से 50 तक तो टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 50 के बाद कौन अभाज्य संख्या होती है, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 एक अभाज्य संख्या होता है, 54 नहीं होता, 55 से छोटा ही हमें लेना ही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया कि 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितना, 15, एगो 53 जो नंबर है ये भी अभाज्य संख्या है, तो एक ही जुट जाएगा, 15 और एक कितना, 16। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 55 से छोटी 16 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, नहीं समझ आया तो एक बार और समझिए। देखो, हमने आपको फाइनली बताया 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है भाई, हमने आपको बताया 1 से लेके 50 तक टोटल अभाज्य संख्या होता है 15, लेकिन ये 50 तक हुआ, लेकिन हमें चाहिए 55 से छोटा, तो 50 के बाद अगला नंबर 51 होता है, फिर अगला नंबर 52 होता है, फिर अगला नंबर 53 होता है, फिर अगला नंबर 54 होता है, लेकिन हमें 55 नहीं लेना है, 55 से छोटा लेना है। 51 अभाज्य संख्या नहीं है, 52 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 54 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 53 अभाज्य संख्या। इसका मतलब 15 ई वाला एक ही जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 और 16, 16 अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन, यदि पी 7, 13, 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पी का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने देख रहे हैं ये रेलवे ऑनलाइन परीक्षा 2/9/2024, बात समझ रहे हैं, अप्रैल, यानी 2 तारीख को भी, 4 तारीख को भी, 9 तारीख को भी और 24 तारीख को भी 2016 में पूछा गया, थर्ड पाली में, देखो यानी लगातार क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखेंगे 2 अप्रैल 2016 में सेकेंड पाली में भी पूछा गया, फिर आपके सामने 2006 में भी पूछा गया था, फिर आपके सामने 2013 में पूछा गया, यानी यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, देख रहे हैं आपके सामने मेरे दोस्त। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ जाए। देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 11 का विभाज्यता का नियम होना चाहिए मालूम, क्या, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 5 अगर कोई संख्या है, यह 11 से विभाजित है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे। देखो, 11 से विभाजित होने का तरीका होता है कि सम स्थानों पे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो शून्य हो या फिर 11 का कोई गुणज हो, यानी 11 का कोई पहरा में हो। जैसे सम के स्थान पर इधर से काउंट करते हैं, 2 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी
तीन में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, सात में से तीन जाएगा चार आएगा। हमने आपको क्या बताया, या तो जीरो आना चाहिए या फिर ग्यारह का कोई मल्टीप्लाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चार आ गया। इसका मतलब चार जो है ग्यारह से नहीं कटता, इसका मतलब यह संख्या भी ग्यारह से नहीं कटेगा। बातें समझ रहे, वही लॉजिक लगाओ यहाँ पर। सम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या फिर ग्यारह का कोई मल्टीपल हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, पी यानी क्या है, पी सात एक और तीन है, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम अल्टरनेट डिजिट का सम देखेंगे। देखो तीन में सात को जोड़ेंगे दस होगा, यहाँ देखेंगे अब अल्टरनेट एक में पी को जोड़ेंगे पी प्लस वन होगा। इन दोनों का अंतर या तो मेरे दोस्त इन दोनों का अंतर जीरो होना चाहिए या फिर ग्यारह का गुणज होना चाहिए। हो सकता है दस में से पी प्लस वन घटाएंगे तो जीरो आ जाए, इसलिए हमने इसको जीरो के बराबर में रख लिया। बातें समझ रहे, बराबर में रख लिया, या फिर हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं। क्या आया था, दस माइनस पी प्लस वन बराबर कितना, जीरो। मेरे दोस्त पी का कोई ऐसा वैल्यू बताएं जिसके स्थान पर हम रखें तो बराबर में इक्वल में जीरो हो जाए। देखो अगर पी के स्थान पर ऑप्शन नंबर डी मैं नौ को रखता हूं तो नौ और एक दस हो जाएगा, और दस में से दस जाएगा बिल्कुल जीरो बचेगा। इसका मतलब मेरे दोस्त पी के स्थान पर बिल्कुल नौ ही होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझें तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, पी प्लस वन, देखो पी प्लस वन ज्यों का त्यों रहने देंगे। इधर जो दस प्लस का है बराबर के उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में दस हो जाएगा। बात समझ रहे, माइनस में दस हो जाएगा। अब पी प्लस वन इधर क्या है, माइनस में है, ई माइनस से ई माइनस, ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा। यानी पी प्लस वन बराबर कितना है, दस। तो यहाँ से पी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, दस में से एक इधर जाके घट जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, नौ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर रहा है, 36.1 बटा 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई यहां देखेंगे, जैसे 36.1 है बटा नीचे में क्या है 102.4 है, इनका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट निकाल दो। मेरे दोस्त यहाँ से एक कंसेप्ट सीखेंगे, बट्टा में जब भी कोई संख्या हो, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है बराबर है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 361 जो होता है मेरे दोस्त 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 10 से जो 24 होता है ये 32 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 19 बटा 32, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप बात को समझे कि नहीं, देखो 36.1 है, यहाँ 102.4 है, दशमलव के बाद एक अंक है इसीलिए दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब हम इनका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो फाइनली ऊपर में कितना बचा है, 361 बचा है। अब तुम समझो कि ऊपर में 361 बचा और नीचे में कितना बचा, 10 से 24 बचा। अब इनका तुम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है, 10 से 24 का स्क्वायर रूट होता है 32, 19 बटा 32, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपके सामने देखेंगे एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। देखो अपने लग से हम क्वेश्चन थोड़े भी लगाते हैं, इसीलिए टैग के साथ में क्वेश्चन ला रहे हैं मेरे दोस्त, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, जो भैया कहाँ से इतना आसान क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है जैसे 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 + 999 4/7 + 999 5/7 + 999 6/7 का मान क्या होगा। आपके सामने 2014 में भी पूछा गया ऐसा ही क्वेश्चन, मेरे दोस्त 2021 में भी पूछा गया ऐसा भी क्वेश्चन, आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, जैसे अगर 3.12 कहीं पर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2, इसका मतलब होता है आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी बराबर होगा। देखो 3 × 6 = 7/2 ये भी होगा, और 3 × 6 = 7/2 ये भी होगा, तो दोनों जगह बराबर हो गए कि नहीं। हमने आपको जो समझाना चाहा क्या समझा, जैसे 4 पूर्णांक अगर 1/2 कहीं पे लिखा है
अब बराबर में अगर 4 प्लस 1 बटा 2 कहीं लिखा है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बात एक ही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं इसको प्लस करते हैं, तो क्या होगा भाई, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 2 बराबर के इस साइड में वो हो जाएगा। इसको जब बटा का जोड़ हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी 9 बटा 2 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, जब इस रूप में रहेगा तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। वही लॉजिक यहाँ पर लगाओ, यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 999, देखो 999 प्लस 1/7 हम लिख सकते हैं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखेंगे फिर से 999 प्लस 2/7 हम इसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखेंगे 999 प्लस 3/7 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा करके मेरे दोस्त यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ऐसा करने से देखो जो 3 बार 9 है ना, कितना बार आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है और यहाँ 3 बार आएगा। यानी कुल मिला के बात ये रहा कि 999 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। इसको मैं डायरेक्ट इतना लिख सकता हूँ कि 3 बार 9 6 बार आया है। इसका मतलब यानी कि कहने का मतलब देखो, बात नहीं समझे, एक इसको हम लिख सकते हैं 1/7 999 प्लस 1/7। बात नहीं समझ रहे मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, हमने क्या बताया 999 प्लस 1/7 मैं लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ क्या है 999 पूर्णांक 2/7 है मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने आपको क्या बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 बार ये 9 है इनको ऐड अलग कर लो, इनको ऐड अलग कर लो, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी इनको क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो 2 बार 9 है ना, इनको 2 बार 9 को अगर हम 2 से गुना कर लेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, इन दोनों का सम जोड़ लेंगे तो इतना का वैल्यू आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा दो, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, जो 9 3 बार है ना, ये कितना बार आया है, 6 बार आया, तो इसको 6 बार मैं अलग से लिख सकता हूँ, 1 बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार आया, 6 बार हमने लिख लिया। प्लस यहां पर कितना है 1/7 बच जाएगा, यहां पर कितना 2/7 बच जाएगा, बातें समझ रहे हैं, यहां पर मेरे दोस्त 3/7 बच जाएगा, यहां पर कितना 4/7 बच जाएगा, यहां पर 5/7 बच जाएगा, यहां पर मेरे दोस्त 6/7 बच जाएगा, बात समझ रहे हैं। इन सभी को जोड़ेंगे, देखो 999 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना होगा, 9 चौका 9 6 54 के 4 हासिल कितना 5, 9 6 54 ना 5, 59 के 9 हासिल कितना 5, 9 6 54 ना 5, 59, 5994 हो गया मेरे दोस्त मेरे भाई। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, बटा में नीचे में 7 रहेगा, प्लस है तो सब जगह इन सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे, बात समझ रहे, इन सभी संख्या को आपस में जोड़ देंगे, 1+2+3+4+5+6 6 7 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 21/7 आया। यानी इनको सॉल्व करेंगे तो 21/7 आएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आया है 5994 आया है। जब 21/7 आएगा तो 21 को 7 से भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा, हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5900 मेरे दोस्त 97 हो जाएगा, 5997 ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.523 के ऊपर बार भिन्न के बराबर है। मेरे दोस्त हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा बताया है, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। हमने आपको यहां पर एक कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, जो सिंपल सा नंबर है उसको लिख लेंगे, कितना नंबर है 532 है तो लिख लेंगे, ठीक है, जितने के ऊपर बार है उतने बटा में 9 लगा दो, 3 2 यानी 2 नंबर के ऊपर बार है इसलिए 2 नीचे में 9 लगा दो, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 0 लगा दो, अच्छा जिसके ऊपर बार नहीं है उसी संख्या को इसमें से घटा दो, बात समझे, यानी 532 सिंपल लिखेंगे, 532 में से 5 के ऊपर बार नहीं है इसीलिए 5 को घटा देंगे, 2 नंबर के ऊपर बार है इसीलिए 2 0, 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है इसीलिए 1 0 नीचे आ जाएगा, 532 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना भाई 527 बटा 990। ये बताइए ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है दोस्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्त आगे बढ़ा जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आरआरबी हाजीपुर ग्रुप डी में क्वेश्चन में पूछा गया। देखो कह रहा है x+1/1 अपन, देखो x+1/
वन प्लस एक बटा थ्री प्लस एक बटा चार है बराबर दो है, तो एक्स का मान बताना। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए ना, आप इनको नीचे से सॉल्व करना, ठीक है दोस्त। ऊपर से सॉल्व नहीं होता है, वो भी नीचे से सॉल्व करोगे तो इसमें स्टेप काउंट करना होता है, ठीक है। स्टेप काउंट करोगे कितना स्टेप दिया है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर तीन प्लस है, फिर एक प्लस है, फिर एक्स प्लस है, यानी तीन बार इसमें क्या स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। नीचे देखेंगे क्या है, तीन प्लस एक बटा चार है, इसको जो कहते हैं लिखेंगे। अच्छा ऊपर में कितना है, वन प्लस है, अगला बार में कितना है, एक्स प्लस है। मेरे दोस्त जब हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, चार तीन बारह और एक तेरह बटा चार, इसको मैं लिख सकता हूँ सॉल्व करने के बाद, बिल्कुल। अच्छा जब यहाँ पर यहाँ से इसमें जाएगा दूसरा स्टेप में, तो इसको पलट देना, चार बटा तेरह लिख देना। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तेरह कम तेरह और चार, सत्रह बटा तेरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर अगली बार में जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तेरह बटा सत्रह। और एक्स प्लस तेरह बटा सत्रह के बराबर में ही तो दो दिया है मेरे दोस्त, तो एक्स प्लस तेरह बटा सत्रह का वैल्यू ही तो बराबर में दो दिया है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इधर x प्लस तेरह रहने देंगे, जो इधर सात भागा कर रहा है, सात नहीं सत्रह है, सॉरी सत्रह है, जो सत्रह इधर भागा कर रहा है बराबर के इस साइड में जाएगा तो गुना करेगा, तो दो गुना सत्रह कितना हो जाएगा, चौंतीस हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी x बराबर यानी चौंतीस, तेरह इधर प्लस के है बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो चौंतीस में से जब हम सब तेरह को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, जानते हैं, एक और दो इक्कीस, इक्कीस बचेगा। बात समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्त, बात को नहीं समझे। x प्लस कितना है क्वेश्चन, इक्कीस, इक्कीस नहीं समझे क्वेश्चन, देखो यानी कितना हुआ, x प्लस तेरह बटा सत्रह यही बराबर में कितना दिया है, दो दिया है। यहाँ से हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ से ये प्लस है बराबर नहीं, x के नीचे कितना है, एक है, फिर से यहाँ से क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। देखो x प्लस कितना है, x प्लस तेरह बटा सत्रह, यहाँ से समझो, यहाँ दो दिया है बराबर में, यहाँ कितना है सत्रह, यानी x प्लस तेरह बटा सत्रह बराबर दो है, ठीक है। तो हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो x के नीचे कुछ नहीं तो एक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सत्रह होगा। यहाँ कितना बचेगा, सत्रह एक्स बचेगा दोस्त, यहाँ बचेगा सत्रह एक्स और प्लस यहाँ कितना बचेगा, तेरह बराबर में दो होगा, ठीक है। अब यहाँ से सत्रह एक्स प्लस तेरह बराबर ये हो जाएगा, सत्रह दूने कितना, चौंतीस, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम सत्रह एक्स रोकेंगे तो चौंतीस में से तेरह जाके घटेगा तो इक्कीस बचेगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्कीस, ज्यों कहते हैं जो सत्रह इधर गुना में है इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी इक्कीस बटा सत्रह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार और समझिए, एक बार और समझाता हूँ फिर से। हमने आपको क्या बोला, इस क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व करना होता है, देखो। और नीचे से सॉल्व करने के लिए मेरे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्टेप कितना बन रहा है, यहाँ एक बार तीन प्लस है, एक बार एक प्लस है, एक बार एक्स प्लस है, तीन स्टेप बन रहा है, तो तीन स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप में क्या है, थ्री प्लस वन बाई फोर है, दूसरा स्टेप में क्या है, वन प्लस है, वन प्लस है, तीसरा स्टेप में क्या है, एक्स प्लस है। यहाँ से देखेंगे दोस्त, जब हम तीन प्लस एक बटा चार को सॉल्व करेंगे तो चार तीन बारह और एक हो जाएगा कितना, तेरह बटा चार हो जाएगा। अगली बार इसको पलट देना ले जाकर, ठीक है, चार बटा तेरह, क्योंकि एक कंसेप्ट है कभी फेल होने वाला नहीं है, तेरह कम तेरह और चार, सत्रह बटा तेरह, समझ रहे हैं। फिर अगली बार पलट देना, यानी तेरह बटा हो जाएगा सत्रह, एक्स प्लस तेरह बटा सत्रह के वैल्यू ही दो दिया है, यानी क्या दिया है भाई, देखो एक्स प्लस तेरह बटा सत्रह का वैल्यू ही मेरे दोस्त दो दिया है। अब हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे दोस्त, आप चाहो तो नीचे में एलसीएम लेके कर लो, या चाहो तो इसको बराबर के उस साइड में भेज लो, बराबर का अगर उस साइड में भेज देंगे तो दो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, तो तेरह बटा सत्रह माइनस में हो जाएगा, बातें समझ रहे हैं। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सत्रह दूने चौंतीस माइनस कितना हो जाएगा, एक्स का डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, सत्रह दूने चौंतीस माइनस इक्कीस हो जाएगा, सत्रह दुनिया चौंतीस माइनस का तेरह इक्कीस बचेगा, आप बटा में कितना सत्रह, आप इस वैरायटी से भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा, इक्कीस बटा सत्रह ऑप्शन डी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।